हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो गाइज, अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ रेडी होके, क्योंकि आज मुझे जाना है मनसूना कुछ काम से। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ और रास्ते में हूँ नीचे रोड में जाने के लिए। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप लगी हुई है, हल्के हल्के बादल भी हैं, कल से शायद बारिश होने वाली है। घर पे तो आजकल 9:15 बजे धूप आ रही है, तो आजकल मौसम काफ़ी ठीक हो गया है, ठंड कम हो गई है। तो एक बार हम मनसूना चलते हैं, काम वाम निपटाते हैं। और मार्केट जाना मेरा ज़्यादा होता नहीं है, जिस दिन काम होता है उसी दिन जाती हूँ, तो फिर घर से निकलना उसी दिन हो पाता है जिस दिन कुछ काम होता है। हमारे घर से नीचे साइड काफ़ी पेड़ों पे बुरांस खिल चुके हैं। वैसे तो बुरांस काफ़ी लेट खिलते हैं, हमारे साइड तो अभी कोपले आ रहे हैं उन पे, बट इधर नीचे नीचे आने पे काफ़ी ज़्यादा खिल रहे हैं। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो सड़क वाला रास्ता है, यानी कि जो ग्राउंड है रोड से ऊपर हमारे यहाँ पे, तो उस रास्ते आ रही हूँ। तो ये है ग्राउंड जाने का रास्ता, और ग्राउंड का काम भी अभी पूरा हुआ नहीं है, बस आधा अधूरा बना है केवल। तो अभी स्वीकृत हुआ है वो कि फिर से इसको थोड़ा बड़ा बना के अच्छा सा रास्ता वगैरह सब होगा, बट वो पता नहीं कब तक होगा, उसका कुछ कह नहीं सकते। और रास्ते की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, तो अगर ये रास्ता जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर इस बरसात में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सारी मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है तो सारी नीचे आ जाएगी। और वैसे ही थोड़ी सी बरसात के बाद इस पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो यहाँ से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो अभी मैं रोड में पहुंच चुकी हूं, और अब यहां पे गाड़ी का वेट करना पड़ेगा पता नहीं कितनी देर तक, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और अभी उखीमठ से मनसूना काफ़ी कम गाड़ियां जाती हैं, ज़्यादातर गाड़ियां इधर से इधर साइड को जाती हैं, मतलब मनसूना से उखीमठ को। और मुझे फिर मनसूना जाना है, तो काफ़ी वेट करना पड़ सकता है अभी सुबह के टाइम पर। तो जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं आगे आगे तक, जहाँ से मिल जाएगी वहाँ से बैठ जाएंगे। अभी मैं मनसूना पहुंच चुकी हूं और अभी निकल पड़ी हूँ पैदल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे जाना था और यहाँ गाड़ी नहीं जाती है। और ये हमारी यहाँ वाली रोड, मतलब मेरी मायके वाली रोड, तो यहाँ पे आगे मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, सुनसान रास्ते पे पैदल चल रहे हैं। और आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैं इस रोड पर पैदल जा रही हूँ, इससे पहले शायद तब जाते थे जब स्कूल में थे, घर से आते हुए शाम को डेली पैदल जाते थे, तो आज वो दिन याद आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पे एक बहुत ही शार्प मोड़ है, जब मैं स्कूटी सीखती थी तो मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता था इस मोड़ पे जाते हुए। और इधर पीछे दिख रही है हमारे गांव की तरफ की पहाड़ियाँ, ये सामने हमारे गांव वाली रोड। तो आज तो यहाँ नहीं जाएंगे, अब कुछ दिन में जाएंगे फिर से। तो अभी मैं नानी के घर पे आई हूँ नानी को मिलने के लिए, थोड़ी सी हरी सब्जी वगैरह लाई थी नानी के लिए, तो नानी को दे दी मैंने। और नानी ना अभी मेरे लिए चावल और पालक का साग बनाया है, पालक की ढिपली, तो अभी वो खाते हैं और उसके बाद जाएंगे फिर घर। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ मनसूना से और रोड से ऊपर भी आ गई हूँ, तो आज तो चमत्कारी हो गया, जाते हुए भी तुरंत गाड़ी मिल गई 5 मिनट में और आते हुए भी तुरंत मिल गई, तो जल्दी पहुंच गई। और लंच तो मैंने कर ही लिया था नानी के यहाँ, तो अभी घर पे पहुंचते पहुंचते तो 2:30 बज जाएंगे, 1:45 तो हो ही गए। तो अभी चल रहे हैं घर की तरफ, चढ़ाई पे हालत ख़राब हो रही है। सुबह जब गई थी तो मौसम इतना अच्छा था, धूप आई हुई थी, और अभी मौसम देखो कैसा हो गया है, बिल्कुल बारिश वाला। और वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तो आज रात से बारिश शुरू हो जाएगी, आज रात से कल परसों, पता नहीं कब तक रहती है। तो फिर ठंड बढ़ने वाली है फिर से, 2-3 दिन से थोड़ी सी ठंड में कमी थी,
बट अब फिर से बढ़ेगी ठंड बहुत ज़्यादा। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और मम्मी लोगों का लंच भी हो चुका है। और आजकल घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारा मकान बन रहा है, वो हम लोग कुछ कमरे और ऐड कर रहे हैं घर के बगल में। तो कल तक वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था और आज पिलर डाले जा रहे हैं। शाम के 3 बज चुके हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये देखो तो कुछ ही देर में बारिश आ सकती है, और आज नहीं भी आएगी तो कल तो बारिश है ही है। तो इसलिए हमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ सारी अंदर रखनी पड़ेंगी कल परसों 2-3 दिन के लिए, क्योंकि गीली हो जाएंगी तो फिर वो जलेंगी नहीं। तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं धूप पे, तो ये अच्छी तरह से सूख चुकी हैं, तो इनको हमें किचन में संभालना है और फिर कुछ और भी लानी है। तो पहले इनको अंदर रखते हैं किचन में। तो सारी लकड़ियां छत से अंदर रख दी है मैंने और छत भी पूरा साफ कर दिया है, तो बारिश आएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लकड़ियां मम्मी भी ले आए हैं काफ़ी सारी, तो अंदर फुल हो गया है, कुछ हमने यहाँ पे रखी हैं, तो बस 3-4 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बारिश वाले मौसम के साथ साथ बारिश आने से पहले ये सारी चीज़ें भी व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि बारिश आने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत ना हो। काम चल रहा है और मैं हमारे ऊपर वाले छत में आ गई हूँ और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आज केवल 2 ही पिलर डालें और बाकी का काम अब कल होगा, क्योंकि अब जो मिस्त्री हैं वो मनसूना से आते हैं, तो फिर उन्हें 5-5:30 तक जाना भी होता है घर। मनसूना पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, तो फिर ऐसे काम मैनेज हो रहा है। तो अभी बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है और काम वाले भैया लोग भी जा चुके हैं घर। तो अभी मैं आ गई हूँ हमारे किचन में और आग जला लिया मैंने और पानी रखा हुआ है सबके हाथ मुंह धोने के लिए। तो बस फिर अब डिनर की तैयारी करते हैं और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।